एक और चीज लेकर आया हूँ आपके व्यूवर्स के लिए, बहुत अच्छी चीज है मोटोरोला वन जूम, वन जूम शॉट है, जूम शॉट है मार्केट में और काफी अच्छी चीज है। इसके अंदर इमरान भाई वही है कि इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है इन डिस्प्ले होता है यहाँ पे, ठीक है ठीक है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, 4 GB रैम होती है, 128 GB मेमोरी होती है, ठीक है, और सिंगल सिम होता है, 48 MP का बैक कैमरा होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इमरान मूवी व्लॉग। तो व्यूअर्स आज हम अगेन आए हैं आमिर भाई के पास ANZ कम्युनिकेशन पर। जैसे कि इनकी पिछले वीक भी वीडियो आई थी माशाल्लाह, और उससे पहले भी इनकी वीडियोस आती रही हैं, तो मोटोरोला का, LG का, गूगल पिक्सल का, सैमसंग का, और इसके अलावा वन प्लस के भी इनके पास मॉडल जो होते हैं बेहतरीन प्राइस के अंदर, अच्छी कीमत के साथ, और क्वांटिटी जो होती है वो भी इनके पास अच्छी होती है, और इसकी जो कंडीशन आप देख सकते हैं माशाल्लाह कंडीशन भी इनके पास साफ़ सुथरी मिलती है आपको। ANZ कम्युनिकेशन, इनकी शॉप का एड्रेस आप देख लें, शॉप 168 फर्स्ट फ्लोर स्टार सिटी मॉल सदर कराची। तो ये चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पर जाने से पहले आपको मालूम है इमरान इमू का चैनल करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना है प्रेस। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है इमरान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इमरान भाई फिर से आज कुछ पुराने स्टॉक के साथ, कुछ नए स्टॉक के साथ लेकर आए वीडियो, ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको यहाँ से शुरू कर देता हूँ वापस मोटोरोला से हमारी पुरानी वीडियो। सही है। जैसे कि मोटोरोला का E7 Plus है, ठीक है, E7 Plus 5000 mAh बैटरी में है, डुअल सिम और सिंगल सिम दोनों स्टॉक मेरे पास मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसमें 48 MP का बैक कैमरा होता है, बैक पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 5000 mAh बैटरी है, ठीक है, और डॉट नॉच डिस्प्ले है, ठीक है, और 4 GB रैम है, 64 GB मेमोरी है। तो इसके जो डुअल सिम के जो हम लोग प्राइस चला रहे हैं ना, वो चला रहे हैं इमरान भाई 22,500 के, और सिंगल सिम हम लोग चला रहे हैं 21,000 रुपये का, ठीक है। अच्छा, इसमें दो कलर मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है, मोटोरोला E7 Plus में, ब्राउन और ब्लू, ब्राउन और ब्लू, और इसके अलावा अच्छा मेरे पास मैंने पिछली वीडियो में आपकी दिखाया था मोटोरोला का G8 Plus, ठीक है, काफ़ी डिमांड आई मेरे पास, स्टॉक बीच में ख़त्म हो गया तो वापसी आ गया स्टॉक G8 Plus का। अच्छा, उस तरीके के लुक का मैं एक और नया आइटम लेकर आया हूँ मोटोरोला में, हाँ सेम लुक में। अब जैसे कि ये है मोटोरोला का 1 Macro, ठीक है, ये 1 Macro है मोटोरोला का, मोटो 1 Macro, 1 Macro सही है, और ये था मोटोरोला G8 Plus जो आपकी मैंने पुरानी वीडियो में दिखाया था, ठीक है, दोनों एक जैसे। अच्छा, उसमें कस्टमर भी काफ़ी कंफ्यूज हुआ है, ठीक है, वो मुझे तस्वीरें भेजता था, ये देखें ये मुझे चीज़ मिल रही है इतने की मिल रही है, आप तो ज़्यादा की दे रहे हैं, तो उसमें मैं आपके कस्टमर के लिए आपके व्यूवर्स को दिखाता चलूँ। देखिए ये, हाँ दिखने में बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, भाई बहन है एक तरीके से, ठीक है, दोनों एक जैसे कैमरे भी, एक जैसे कैमरा, लुक भी फ्रंट से भी बिल्कुल लुक सेम है, सब कुछ है ना, तो अब इसमें फ़र्क है ना, एक तो कैमरे का फ़र्क है। अच्छा, ये मोटोरोला G8 Plus है, ठीक है, और ये मोटोरोला 1 Macro है, ठीक है, इसमें 48 MP का कैमरा है, ठीक है, और इसमें 13 MP का कैमरा है, और कुछ गूगल में आप सर्च कर लें तो शायद प्रोसेसर वगैरह और कोई एक दो चीज़ों का फ़र्क होगा, ठीक है। तो 1 Macro जो है ना, इसमें भी दो कलर हैं मेरे पास, ये देख लें, एक ये वाला कलर है 1 Macro में, ठीक है, और एक ये वाला कलर है 1 Macro में, ठीक है। तो इसके जो प्राइस है 1 Macro के, 1 Macro के मैं प्राइस चला रहा हूँ 20,000 रुपये के, डुअल सिम के, ठीक है, 4 GB 64 GB, और G8 Plus वही हमारे पुराने प्राइस है 24,000 रुपये के, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कलर है G8 Plus में, एक ये वाला कलर है, ठीक है, हाँ इसका कलर ये वाला मिल जाएगा G8 Plus में, तीन कलर के साथ है। ये स्पेक्स क्या है इसकी? इसमें भी 4 GB रैम है, 64 GB मेमोरी है, बैक पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 48 MP का कैमरा है, बाकी बैटरी गूगल में चेक कर लें, शायद 4500 mAh होगी शायद, ठीक है, बैटरी हाँ हैवी बैटरी, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा फिर मैं आपको बताता चलूँ, एक मोटोरोला का मेरे पास 1 5G आ गया, ठीक है, बिल्कुल बुलबुल के बच्चे आए हुए हैं, और इसमें स्क्रैचेस वाले भी आए हुए हैं, दोनों स्टॉक मेरे पास मौजूद है, ठीक है। अच्छा, स्क्रैचेस बुलबुल के बच्चे हम 10x10 कहते हैं ना, 10x10 में अक्सर कस्टमर कहता है एक स्क्रैच भी ना हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये यूज आते हैं, हम लोग इसको 10x10 कहते हैं, पर अगर आप इसको गौर से देखेंगे ढूंढेंगे तो एक आधा तो कहीं ना कहीं तो हल्का फुल्का स्क्रैच होगा, ठीक है, पर उसको हम लोग 10x10 कहते हैं, ठीक है। आप फिर भी देख लें वीडियो में, अगर देख लें आपका कैमरा फोकस करता है तो ये देख लें, ये 10x10 कंडीशन वाला पीस है, सही है, ये माइक्रो कैमरे वाला है ना, जिसका कैमरा जी, जी, माइक्रो जी, जूम करके दिखाते हैं ना माइक्रो, ये देखें, हाँ माशाल्लाह यूं तो बस साफ सुथरा है, फिर भी हल्का फुल्का माइनर सा कहीं ना कहीं, देखिए वो तो यूज सेट है तो आएगा ही ना कहीं ना कहीं, तो अब वो कस्टमर कहे के डब्बे में से निकाल के बॉक्स पैक चीज दो, तो फिर उसमें और इसमें तो फर्क होता है, बहुत साफ सुथरी है, बहुत साफ सुथरी है,
ठीक है, ये देखें इसकी कंडीशन देखें, मैं आपको सही से दिखा दूं इसकी कंडीशन व्यूअर्स। ये देखें बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन है, ठीक है। अच्छा इसका इस पे यहाँ पे साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर होती है, ठीक है, ये आप चेक करें, डुअल कैमरा है इधर। ये पीस मेरा ऑन होता था, मैं वाइड स्क्रीन में लाके आपको दिखाता हूँ। ये पीस ऑन है, हाँ ये दिखा दें आप, इसको रखें, ठीक है। अच्छा ये देखें इमरान भाई, इसका डिस्प्ले चेक करें, बहुत ही इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही प्यारा डिस्प्ले है, ठीक है। और ये देखिए फ्रंट पे ड्यूल कैमरा है इसमें, ठीक है, टाइप सी की कनेक्टिविटी है, ठीक है। और 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, तीन कैमरे दिए हुए, ये चार कैमरे दिए हुए, फ्लैश लाइट दी हुई है, साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और उसका प्रोसेसर भी 750 कुछ ऐसे है, मुझे सही तरह याद नहीं आ रहा। और ये जो है इसका कैमरा, इसमें जो लाइटिंग देता है ये वाला कैमरा है ना, ये माइक्रो कैमरा है इसका। अच्छा हाँ, ये जो आपको दिख रहा है अलग से, हाँ पूरी ये जो है व्यूअर्स, ये देखिए आप, ये जो रिटर्न पूरा राउंड हुआ है ना, इस पे पूरी पे लाइट जलती है, एक हैवी लाइट होती है, जो जैसे अगर हम उसे इसी वो करके कार्ड पे जूम करेंगे तो वो कार्ड का पूरा आपको जूम करके इस पे दिखा देगा, काफी अच्छी चीज है। अच्छा इसमें मेरे पास दो तरीके की कंडीशन है, ठीक है, इसमें स्क्रैचेस वाले भी हैं, ठीक है, और ये जो आपको मैंने अभी फ्रेश कंडीशन दिखाई ये भी, ठीक है। अब जिस पे थोड़े स्क्रैचेस हैं ना, ठीक है, 10x9 कंडीशन कहलाती है, और कोई इसे 10x9.5 कंडीशन कहता है, तो उसके जो प्राइस हैं वो प्राइस हैं उसके 27,500 के, ठीक है, 27,500, 28 जैसी कंडीशन हो, थोड़े कम स्क्रैचेस होते तो 28,000, थोड़े ज़्यादा स्क्रैचेस होते तो 27,000। अभी ये जो ये फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है, बुलबुल के बच्चे, ठीक है, और ये मैं चला रहा हूँ 29,500 के, मोटोरोला 15G 29,500 के, हल्का फुल्का माइनर हुआ तो वो कितने बताया आपने? अगर हल्के फुल्के स्क्रैचेस हुए तो 28 से 27 के अंदर के हो, जैसे स्क्रैचेस 27-28,000 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा फिर ये LG के G8X थिंग, ठीक है, इसकी भी काफ़ी डिमांड है, क्योंकि R3 को फेल करने वाला मॉडल ये है, एक्वास R3 को फेल करने वाला मॉडल ये है LG G8X थिंग, क्योंकि एक तो R3 मिल भी नहीं रहा, बहुत शॉर्ट है, और मिलता है तो इतनी महंगी परचेजिंग है कि हम कितने में उठाएं और कितने में सेल करें, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने R3 non PTA तकरीबन 3 महीने पहले की बात है 18-18,000 रुपये में, 17-17,000 रुपये में non PTA सेल किए हैं, ठीक है। अब उसकी परचेजिंग 22-22,000 रुपये की है, 23-23,000 रुपये की, तो हम 22-23 में लेके आगे कितने में सेल करेंगे non PTA, ठीक है। और G8X थिंग R3 से अच्छी चीज़ है, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें तो एक यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और बैक पे डुअल कैमरा मिल जाता है, 4,000 तकरीबन, शायद 4,000 या 4,500 ऐसे कुछ MAH बैटरी है इसमें, स्नैपड्रैगन वही है, 855 का प्रोसेसर है, 6GB रैम है, 128GB मेमोरी है, R3 को ये टक्कर दे रहा है, ठीक है, ख़तरनाक टक्कर दे रहा है, ठीक है। और ये non PTA में, और इसमें अल्लाह वाला करे इसकी फेस अनलॉक भी है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, और इसके non PTA के हम लोग जो प्राइस चला रहे हैं वो प्राइस चला रहे हैं 27,000 रुपये के, ठीक है, non PTA के, और PTA अप्रूव हम दे देंगे 31,000 रुपये में, ठीक है, 31,000 में, 31,000 और बिल्कुल फ्रेश पीस, नो शेड, नो डॉट, नो स्पॉट, ठीक है, सही है। कंडीशन जो मामूली से स्क्रैचेज होता है वो एक अलग चीज़ होती है, उसको इस चीज़ में नहीं लेते, सही है। बाकी शेड वगैरह स्क्रैचेस वगैरह कुछ नहीं होंगे, बाकी ये भी साफ सुथरे पीस है, आप अगर देखें, अगर कैमरा फोकस करता तो साफ पीस है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा मेरे पास वन प्लस के N10 5G है, ठीक हो गया, N10 5G भी दिखाएं, बिल्कुल साफ साफ कंडीशन में सुथरे पीस है मेरे पास जी। ये N10 5G है मेरे पास, इसकी कंडीशन चेक करें इमरान भाई, इसकी भी क्वान्टिटी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक हो गया। ये 6GB रैम है, 128GB मेमोरी है, और सिंगल सिम होता है, बैक पे फिंगरप्रिंट स्कैनर होती है, और मेरे ख्याल से शायद 48 या 64 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, मैं असल में स्पेक्स थोड़ा भूल जाता हूँ, काफ़ी मॉडल है ना, और स्नैपड्रैगन इसके अंदर 690 होता है, 690 होता है, ठीक है, और बैटरी भी इसमें बड़ी होती है, 5,000 या 4,500 एमएएच बैटरी होती है, ठीक है, और काफ़ी मॉडल चल रहा है, ये बहुत इन है, बहुत ज़्यादा इन है, ये भी N10 5G भी ना, ठीक है। और ये जो है हम लोग चला रहे हैं बिल्कुल जो फ्रेश कंडीशन में है ना, उसको चला रहे 30,500 का, और जो हल्के फुल्के स्क्रैचेस में हमसे लेगा ना, कंडीशन में स्क्रैचेस में, तो वो हम चला रहे 29,000 रुपये का N10 5G वन प्लस का, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास वन प्लस में N100 है, ये आप देख लें, N100 लगे हुए हैं,
है। मैं आपको इसकी एक की कंडीशन दिखा देता हूँ, ये चेक करें आप कंडीशन इमरान भाई। अच्छा इसमें मेरे पास फ्रेश पीस भी है, एक दो पीस लाइन वाले भी हैं। अच्छा जिसमें एलसीडी में लाइन है, ठीक है सही है। तो लाइन के तो रेट अलग देंगे, लाइन के तो रेट अलग ही होंगे ना इमरान भाई। अगर वो पीस मेरे सामने आता तो मैं आपको दिखा दूंगा लाइन वाला, बस कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है, मसला नहीं है। ये देख लें, ये फ्रेश एलसीडी है बिल्कुल, ठीक है। अब इसके ऊपर रैपर चढ़ी हुई है, ये कंडीशन इसके साफ सुथरी, इस वो चढ़ा हुआ है प्रोटेक्टर चढ़ा हुआ है मैंने, ठीक है। मैं आपको प्रोटेक्टर हटा के दिखा देता हूँ इसकी कंडीशन, ये देखें बिल्कुल साफ कंडीशन है, ठीक है सही है। और ये देख लें इसका कैमरा यहाँ पे होता है इमरान भाई, इसका भी ये डॉट नॉच कैमरा होता है, इन डिस्प्ले कैमरा जो कहते हैं, ये देख लें सही है। N100 है, ठीक है बिल्कुल फ्रेश पीस है, 10x10 कंडीशन है, ठीक है। और ये हम चला रहे हैं ये वाला जो फ्रेश मेरे हाथ में अभी जो पड़ा हुआ है ना, नो डॉट नो शेड नो कंडीशन कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके हम लोग प्राइस चला रहे हैं 21,500 के, ठीक है N100 के। इसमें 4GB रैम होती है, 64GB मेमोरी होती है, ठीक है। और इसका जो लाइन वाला मैंने आपको बताया ना, उसमें ये है कि एक हल्की सी पर्पल कलर की हल्की सी यूँ लाइन होगी, ठीक है वो हम दे देंगे 18,000 रुपये में, ठीक है 18,000 रुपये में लाइन वाला, ठीक है। हाँ वो लाइन ऐसी ही रहती है, अगर गिराएंगे नहीं फेंकेंगे नहीं पीस तो वो लाइन ऐसी की ऐसी रहेंगी, और अगर गिराएंगे फेंकेंगे तो फ्रेश में भी लाइन आ जाती है, शेड आ जाते हैं कोई भी पीस लें, ठीक है। अगर केयर करेंगे तो ऐसी की ऐसी चलती है, ठीक है। और बाकी फ्रेश के प्राइस है 21,500 के N100 के, ठीक है। इसके अलावा हम आ जाते हैं मोटरोला पे, अल्लाह भला करे मैं आपको दिखा देता हूँ G9 Play देख लें ये, ठीक है। ये मोटोरोला का G9 Play है, ये आपको सिंगल सिम में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी 4GB रैम है, 64GB मेमोरी है, और बैक पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है। लुक भी बहुत प्यारा लुक है इसका, लुक की वजह से काफ़ी ये सेल होता है, इसका लुक बहुत प्यारा है, ठीक है ठीक है। अच्छा इसमें डुअल सिम मेरे पास शायद 2-3 पीस होंगे तो होंगे, बाकी तकरीबन सिंगल सिम है इसमें, ठीक है। और पहले थे मेरे पास डुअल सिम पर अब वो सोल्ड हो गए सारे, अब इसमें सिंगल पीस होंगे तकरीबन, तो ये सिंगल हुआ तो मैं दे दूंगा, ठीक है। उस पर 1,000-2,000 रुपये का फ़र्क होता है, ठीक है। अभी इसके इसके प्राइस है अल्लाह भला करे 21,000 रुपये के। 5,000 mAh बैटरी है, बैक पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 3 कैमरे है, फ्लैश लाइट है, डॉट नॉच डिस्प्ले है, ठीक है सही है डॉट नॉच डिस्प्ले। और इसके जो प्राइस हम चला रहे हैं बता दिए आपको। इसके अलावा फिर हमारे पास हाइपर है, मोटोरोला का हाइपर, मोटोरोला का हाइपर आपकी इससे पिछले वीडियो में हमने डाला था 4GB रैम 128GB वाला, इस बार हम आपके व्यूवर्स के लिए लेकर आए 6GB रैम 128GB मेमोरी वाला, ठीक है 6GB 128GB वाला। ये इसका पॉपअप कैमरे वाला फ़ोन है मोटोरोला हाइपर, ठीक है 25 MP का पॉपअप कैमरा है फ्रंट का, ठीक है सही है। और बैक कैमरा 64 MP का है, ठीक है। और इसका 4GB रैम है, 128GB वाला वेरियंट भी है मेरे पास, और 6GB 128GB वाला भी है, ठीक है। 4GB 128GB वाला इमरान भाई हम लोग चला रहे हैं वही पुराने रेट पे 29,000 रुपये का, और 6GB 128GB वाला हम लोग चला रहे हैं 32,000 रुपये का मोटर। अच्छा इसमें कलर मेरे पास 6GB 128GB में ये सारे कलर मेरे पास अवेलेबल हैं, ये रेड हो गया, ये पर्पल हो गया, पर्पल एक, ठीक है, और एक ये हो गया, 3 कलर मेरे पास मौजूद हैं हाइपर में 6GB 128GB वाले में, 1, 2, 3, ठीक है ठीक हो गया। और अगर 4GB 128GB लेते हैं तो उसमें मेरे पास ये 2 कलर अवेलेबल है, ठीक है, एक ये वाला और ये वाला ब्लू और, ठीक है। मतलब ये वाला जो कलर है ना, ये वाला कलर पर्पल वाला, सही है, ये वाला कलर सिर्फ 6GB 128GB में पड़े हुए हैं, ठीक है ठीक हो गया सर, सही है। इसके अलावा एक और चीज़ लेकर आया हूँ आपके व्यूवर्स के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है मोटोरोला वन जूम शॉट है मार्केट में, और काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर इमरान भाई, वही है कि इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है इन डिस्प्ले होता है यहाँ पे, ठीक है ठीक है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, 4GB रैम होती है, 128GB मेमोरी होती है, ठीक है, और सिंगल सिम होता है, 48 MP का बैक कैमरा होता है, ठीक है। और इसकी आप LCD चेक करें, डिस्प्ले चेक करें, काफ़ी प्यारा डिस्प्ले होता है इसका, ठीक है ठीक है, काफ़ी प्यारा डिस्प्ले है, ठीक है। और इसमें कलर भी 2 मिल जाएंगे ये वाले, ठीक है, ये 2 कलर मिल जाएंगे, मोटोरोला वन जूम, ठीक है। इसके प्राइस जो हम चला रहे हैं ना 31,500 के चला रहे हैं, सही है
31,500। अच्छा इमरान भाई, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब जो पुरानी ड्यूटियां थी ना वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई हैं, थोड़ी अप हो गई हैं, ठीक है। आपकी पुरानी वीडियो में मैंने जो मोटरोला एच प्लस की ड्यूटी बताई थी ना, ये मोबाइल की मोटरोला एच प्लस की ड्यूटी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, ठीक है। और बाकी R5G में थोड़ी ड्यूटी अप हुई है, ठीक है। एक्वास आर फाइव जी में पुरानी ड्यूटी जो आ रही थी ना पीटी का टैक्स, वो आ रहा था 4,850 ऐसे कुछ आ रहा था, ठीक है। किसी मॉडल में 4,000 आ रहा था, किसी में 4,850 आ रहा था, ठीक है। अब इसमें ड्यूटी अप हो गई है, 7,850 रुपये ड्यूटी आ रही है, ठीक है। और मोटरोला एच प्लस में भी ड्यूटी अप हुई है, और इसका भी मैंने कंफर्म नहीं करा कि कितनी अप हुई है, ठीक है। हाँ, इसकी भी अप हुई है, ठीक है। अच्छा, ये नॉन पीटी के जो प्राइस है मोटरोला एच प्लस, अच्छा ये कंडीशन आप दिखा दें अपने व्यूवर्स को, कंडीशन देखे साफ सुथरी मेरे पास कंडीशन मिल जाएगी मोटरोला एच प्लस की, ठीक है। और इसकी स्पेक्स तो सबको पता ही है, ठीक है। नॉन पीटीए 58.5 का, अगर थोड़ा स्क्रैचेस वाला लेंगे तो वो जो होगी कर देंगे 1500-2000 जो होगी गुंजाइश में कर दूंगा, ठीक है। अभी फ्रेश के प्राइस बताएं, ठीक है आपको। और नॉन पीटीए के प्राइस, अच्छा इमरान भाई एक नई चीज आई है आपके व्यूअर्स के लिए मेरे पास, Sony EXACT 3। मतलब वापिस लेकर आया हूँ मैं, थोड़ा काफी टाइम के बाद लेकर आया हूँ, काफी लॉन्ग टाइम के बाद, मेरे ख्याल से 3 महीने के बाद लेकर आया हूँ। आपकी मैंने वीडियो डाली थी पुरानी, शायद 3 महीने पहले हम लोगों ने वीडियो डाली थी Sony EXACT 3 पे। अच्छा Sony EXACT 3 पे फ्रेश LCD लेकर आ गया हूँ मैं, ठीक है। फ्रेश भी है, शेड वाली भी है, दोनों है मेरे पास, ठीक है। अच्छा इसके जो इमरान भाई, अब जो नए प्राइस है ना Sony EXACT 3 के, वो थोड़े अप है, ऊपर है, ठीक है। इसके अभी हम लोग प्राइस चला रहे हैं, बिल्कुल जो फ्रेश पीस है ना, जिसकी LCD में कोई डॉट, कोई स्पॉट, कोई शेड नहीं है, ठीक है, फ्रेश LCD होती है, उसके प्राइस चला रहे हैं इमरान भाई हम लोग फाइनल 24,000 रुपए के। पर अभी बहुत ज्यादा असल में प्रॉब्लम ये है इमरान भाई के पीछे से ये माल मिल नहीं रहा Sony EXACT 3, और पूरे पाकिस्तान में अभी एक ही डीलर के पास पड़ा हुआ है Sony EXACT 3। आपको पीछे से महंगा मिल रहा है, ठीक है, तो अब वो अपनी मर्जी के प्राइस दे रहा है, जिसके बाद एक ही बंदे के पास पड़ा हुआ है और पीछे से माल मिल नहीं रहा Sony EXACT 3 का। तो ये काफी डरते डरते मैंने उठाए हैं, 24,000 रुपए में फ्रेश पीटी अप्रूव मिल जाएगा। बाकी शेड वाले भी मेरे पास पड़े हुए हैं, शेड वाले मैं आपको दिखा दूं इसका शेड, अगर आप फोकस करें देखें, एक ये शेड है, ये बहुत ज्यादा शेड है, ठीक है, ये छाप है, ठीक है, ये हम दे देंगे 14,000 रुपए में, ऐसा शेड 14,000 EXACT 3 जबरदस्त। इसके अलावा फिर मेरे पास कुछ और भी शेड हैं जो इससे कम है, ये पीस ऑन होते हैं ना तो मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब इससे थोड़े कम वाले जो शेड है ना वो दे देंगे 16,000 रुपए के, ठीक है, 16,500। फिर उससे भी ज्यादा जो कम होगा ना वो दे देंगे 17,000-18,000 रुपए में, ठीक है। और फ्रेश जो होगा फ्रेश के प्राइस 24,000 रुपए के हैं, ठीक है। और शेड वाले के जो प्राइस है मेरे पास जो स्टार्ट है 14,000-18,000 तक के प्राइस है, ठीक है, व्यूअर शेड के हिसाब से। अभी अगर ये देख ले, ये जो है ना, ये 14,000 रुपए का पीस है, ठीक है, इस पे शेड है, ठीक है, थोड़ा लाइट शेड होगा तो वो के प्राइस अलग होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या दिखा रहे हैं इसके बाद एक्वास आर फाइव जी 12 GB 256 GB सिंगल सिम Snapdragon 865, काफ़ी चलने वाला मॉडल है, काफ़ी बिकने वाला मॉडल है ये, क्योंकि इसमें आपको ऑफिशियल अप्रूव हो जाता है, सबसे बड़ी बात ये होती है, एज प्लस ये सारे मॉडल जो होते हैं ना ऑफिशियल अप्रूव हो जाते हैं। एक बार R5G कंचा पीस 10 पीस वो मैं चला रहा हूँ 40,000 रुपये में, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर कंडीशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा अच्छा इसमें स्पॉट वाले भी पीस मेरे पास पड़े हुए हैं, एक बार R5G, अच्छा इसमें स्पॉट ऐसे ही नहीं होते, ब्लैक स्पॉट नहीं होते, हाँ इमरान भाई, इसमें स्पॉट होते हैं वाइट कलर के, ठीक है। एक्वास में आईफोन में स्पॉट अक्सर आप देखेंगे व्हाइट कलर के होते हैं, ब्लैक नहीं होते, ब्लैक होते तो वो सामने सामने शो होते हैं, इसमें व्हाइट कलर के छोटे छोटे स्पॉट होता है, किसी का बिल्कुल ऐसा होता है कि कभी कभार कस्टमर ढूंढता रह जाता है पूरी स्क्रीन में, उसको स्पॉट नहीं दिखता, ऐसे ऐसे भी जगह पे स्पॉट होता है, ठीक है। स्पॉट वाले अलग अलग प्राइस है, जैसा स्पॉट अगर सामने स्पॉट होगा, मतलब स्क्रीन के सामने होगा, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे, वहाँ पे, तो वो दे देंगे अलग अलग, अरे 36 में, ठीक है। और अगर थोड़ा कोई किनारी पे छुपा हुआ स्पॉट होगा तो वो दे देंगे 38 में। और अगर कंडीशन में लेता है स्क्रैचेस में, थोड़ा डेंट वेंट वाला कंडीशन वाला, तो वो भी हम दे देंगे 38 में, ठीक है, 38 में, 37 में, इतने में दे देंगे। और फ्रेश लेता है तो फ्रेश 40,000 रुपये का,
पास R5G ठीक है। फिर ये मोटोरोला का G31 है, इसमें सिंगल सिम अपने क्या बोलते हैं हम चला रहे 28 का, डुअल सिम चला रहे हैं, सिंगल सिम चला रहे 27 का, डुअल सिम चला रहे 28 का ठीक है। 450 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, ये भी बहुत आइटम चल रहा है अभी ठीक है। इसमें 4GB रैम है, 64GB मेमोरी है, इसमें सिंगल सिम भी है डुअल सिम भी है ठीक है। इसके अलावा ये 27,000-28,000 रुपये ये मोटोरोला का G9 पावर है ठीक है। 6000 mAh बैटरी है इमरान भाई इसमें, हाँ बिग बैटरी है, और स्नैपड्रैगन भी मेरे ख्याल से 600 से प्लस इसमें स्नैपड्रैगन है ठीक है, और नॉच कैमरा इसमें इन डिस्प्ले कैमरा है ठीक है, और काफ़ी अच्छी चीज़ है। 4GB 64GB सिंगल सिम ये हम चला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 24,500 रुपये में ठीक है, 24,500 रुपये में ठीक है। इसके अलावा हुआवे के अगर कम रेंज में आते हैं तो फिर हुआवे के P10 लाइट भी है मेरे पास ठीक है, ये P10 लाइट होते हैं इमरान भाई, इसमें गोल्ड कलर भी है मेरे पास, व्हाइट कलर भी है ठीक है, कंचे पीस हैं ठीक है, ये ऊपर स्टिकर चिपका हुआ है, प्रोटेक्टर चिपका हुआ है ठीक है, पीस बिल्कुल फ्रेश है। ये हम चला रहे हैं 12,000 रुपये में, 4GB 64GB डुअल सिम ठीक है, ठीक। इसके अलावा हुआवे का Mate 10 लाइट भी है, वो मेरा माल थोड़ा रस्ते में स्टॉक मेरा रस्ते में वो आएगा तो वो 15,000 रुपये का ठीक है। Mate 10 लाइट 4GB 64GB और डुअल सिम ठीक है, सही हो गया ठीक है। हाँ इमरान भाई अभी तो फिलहाल ये स्टॉक है, फिर इंशाल्लाह वन प्लस में कुछ और वैरायटी आएगी क्योंकि वन प्लस का माल बहुत महंगा हो गया है। असल में कस्टमर अक्सर नीचे कमेंट करते हैं अब तो डॉलर नीचे हो गए, भाई डॉलर तो नीचे हो गए, जो चीज़ हम 700 धर्म की ले रहे थे वो चीज़ 800 धर्म में मिल रही है हमको, तो इसमें भी तो फर्क आ गया ना, हाँ वो चीज़ें शॉर्ट हो गई है क्योंकि हम बाहर से माल उठाते तो और भी तो मुल्क है ना, अफ्रीका उठा रहा है, हांगकॉन्ग उठा रहा है, हर कोई उठा रहा है भाई माल कहीं ना कहीं से, सब जगह पे वन प्लस जा रहा है ठीक है, माल शॉर्ट होता है तो नहीं मिलते ठीक है, सब कुछ डॉलर से नहीं होता, डॉलर से होता है बहुत कुछ होता है, बहुत प्राइस में फर्क आता है डॉलर में, पर कभी कभार कोई चीज शॉर्ट भी होती है। इमरान भाई देखिए डिलीवरी का प्रोसेस ये है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था लेपर्ट में होता है हमारा ठीक है, हम लोग लेपर्ट TCS वगैरह लगा देते हैं ठीक है, हमारा लेपर्ट में कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट भी है जो अभी भी ओपन है, पर प्रॉब्लम ये है कि इमरान भाई सारा मसला ये कि हम जो इन्वेस्टमेंट थोड़ी हमने लगाई हुई है ना उसमें भी डिस्टर्ब हो जाता है, हम लोग काम में थोड़ा मसला हो जाता है क्योंकि लेपर्ड हमें पेमेंट देता है एक एक महीने के बाद 20-20 दिन के बाद ठीक है, और टर्नओवर नहीं घूम पाता ठीक है। तो अगर आपके व्यूवर्स में किसी को भी चाहिए ना तो वो हमें इजी पैसा जैस कैश बैंक अकाउंट में फुल पेमेंट कर दे प्लस डिलीवरी चार्जेस के साथ, 500 डिलीवरी चार्जेस लगती है कोई भी पीस ले ले ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें अकाउंट में पैसे लगेंगे, हम आज पीस निकालेंगे इंशाल्लाह कल तक उसका पीस हमारे पास उसके पास पहुँच जाता है ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपडेट देंगे आपको ठीक है, इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा वो डिलीवरी का अल्लाह हाफिज़।